शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है और वो उसका नाम सोन चिड़िया रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। सोन चिड़िया के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसे दे देती थी। टूनी चिड़िया के ज्यादा प्यार से सोन चिड़िया बहुत बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे सोन बेटी, मैंने तुझे अभी अभी तो खाने को दिया था और तुझे फिर से भूख लगी तो थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ, गुलाब जामुन? जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए गुलाब जामुन खाए, आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ चिड़िया गुलाब जामुन लेने जाती है और गुलाब जामुन से भरा कटोरा लाकर सोन चिड़िया के सामने रख देती है। गुलाब जामुन को देखते ही सोन चिड़िया गुलाब जामुन पर टूट पड़ती है। माँ थोड़ी और गुलाब जामुन है तो मुझे दे दो, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। बस हो जा सोन चिड़िया, जब देखो तेरा ये पेट खाली ही रहता है, तूने बहुत गुलाब जामुन खा लिए हैं। इसी तरह समय गुजरता गया और सोन चिड़िया खाने के अलावा और कोई काम ना करती थी। बेटी चल आज मैं तुझे घर बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मुझे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आपके बनाए हुए घर में रहती हूँ। फिर एक दिन सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी से कहती है, सोन बेटी चल मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मैं खाना बनाना क्यों सीखूंगी, तुम हो ना, मैं आपके पंखों का बना हुआ खाना ही खा लूंगी। देखो बेटी, अब तू बड़ी हो गई है और मुझे तेरी शादी की चिंता सताई जा रही है। जब पराए घर में जाएगी तो कैसे घर को चलाएगी। माँ जब समय आएगा मैं देख लूंगी। जो भी होता सोन चिड़िया कोई काम ना करती। फिर एक दिन सोन चिड़िया को एक चिड़ा पसंद आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक चिड़ा पसंद आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटी। फिर सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देती है। अपने घर जाकर सोन चिड़िया का पति सोन चिड़िया से कहता है, सोन चिड़िया चल तू जल्दी से खाना बना ले और मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। सोन चिड़िया का पति जंगल लकड़ियाँ लेने चला जाता है। सोन चिड़िया को तो खाना बनाना नहीं आता था। वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बोल बेटी, क्या तू ठीक भी है? हाँ माँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आलू मटर की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये सुनकर सोन चिड़िया की माँ उसे कहती है, आप पता चला ना, जब मैं कहती थी कि खाना बनाना सीख लो तो तुम मेरी सुनी अनसुनी कर देती थी। फिर सोन चिड़िया अपनी माँ से पूछ पूछ कर आलू मटर बना लेती है। अरे सोन चिड़िया, ये कैसी हंडिया बनाई है तूने, इसका कोई स्वाद ही नहीं है। पति जी आप चिंता ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगी। सोन चिड़िया को सब कामों में बहुत दिक्कत होती थी। अब वो उस वक्त को लेकर पछता रही थी जब उसकी माँ काम करती और वो सोई रहती थी। कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया माँ बनने वाली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, पति जी मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ, मैं माँ से सीख लूंगी कि छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं। पति मान जाता है और सोन चिड़िया अपनी माँ के घर आ जाती है। माँ जब तक मैं अंडा नहीं दे देती तब तक मैं आपसे घर के सारे काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक बेटी चिड़िया के लिए घर के काम सीखना कितना जरूरी होता है। तो फिर चल आज दाल बनाते हैं। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी को दाल बनाना सिखाती है, उसे सब्जी बनाना सिखाती है। फिर वो अपनी बेटी को घर बनाना सिखाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी बेटी चिड़िया निकलती है। देखो सोन बेटी, क्या अब तुम चाहोगी कि तेरी बेटी कोई काम ना सीखे और जैसे शादी के बाद तुझे परेशानी हुई इसे भी हो? नहीं नहीं माँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं अब वो क्यों कर दोहराऊंगी। मैं अपनी बेटी को घर चलाने के सारे तरीके बताऊंगी ताकि कल इसे अपने घर जाकर कोई परेशानी ना हो। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती है और सोन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत